हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंस्टेंट अपने बालों को काला कैसे करें। सफेद बालों से जो लोग परेशान हो चुके या छोटी उम्र में जिनके सफेद बाल होना स्टार्ट हो गए, आप लोग जो इसको मेहंदी को लगा सकते हैं। मेहंदी जिस तरीके से मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली शायद अभी तक किसी ने नहीं करी होगी, क्योंकि इसको जो है आपको जो है बहुत ही अच्छे यूनिक तरीके से मैं बताने वाली हूँ इसको किस तरीके से लगाना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने। हो सकता है अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलता तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, अगर वहां से आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और नहीं तो अगर आपके पास साबुत, जैसे मैं जो सारी चीज़ें बताने वाली, अगर आप साबुत उसको ले लीजिए, रात में उसको भिगो दीजिए, सुबह इसका जो है पेस्ट बना के भी अपने बालों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि गारंटी है कि आपके सफ़ेद बाल जो है बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। वीक में अगर आप इसको 2 से 3 टाइम्स लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट भी मिलने वाला है और आपके बाल जो है नरिश हो जाएंगे, सिल्की एंड स्मूथ भी हो जाएंगे। और साथ के साथ जो आपके मेहंदी से जो बाल लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं जो अपने बालों में, बिल्कुल भी उनके जो है ड्राई नहीं होंगे, बिल्कुल इचिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी जो है इसकी खत्म होने वाली। इसमें जो मैं आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाने, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का है उसको प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, और साथ के साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक गिलास पानी मैंने ले लिया है, लोहे की कढ़ाई मैंने ले लिया है। पहले हमें जो है मेहंदी के लिए जो है पानी को रेडी करना पड़ेगा। इसमें जो है मैं 1 से 2 बड़े चम्मच कलौंजी ऐड कर रही हूँ। पहले इसको हमें कलौंजी का पानी बनाना है और उस पानी में हमें अपने सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। इसमें मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच जो है कलौंजी डाला है। ये अच्छे से बॉयल हो जाए फिर हमें इसको छान के इसके में अंदर जो है हमने सारे इंग्रेडिएंट डालने होंगे। ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसका जो है ब्लैक कलर जो है जो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट से जो ब्लैक हो जाएगा। उसके अंदर जो है हमें मेहंदी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ मिलाना है वो मैं आपको जो है आगे बताती हूँ। ये अच्छे से बॉयल होने वाला है। कलौंजी का पानी मैंने जो छान लिया था उसके बाद जो ये कलर ऐसा हो चुका है, इस पानी को मैंने इसके अंदर दोबारा से मैंने जो है चेंज कर दिया है। ये देखिए सारा जो कलर हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। अब हमें इसमें जो ऐड करेंगे, अब हमें जो है अपनी गैस ऑफ कर देनी है। इसी गर्म पानी के अंदर हमें जो डालना होगा, सबसे पहले हम डालेंगे इंडिगो पाउडर। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच जो आपको सभी की क्वांटिटी बराबर रखनी होगी। यहाँ मैं जो इंडिगो पाउडर में सबसे पहले लूँगी, आप इसको इंस्टेंट लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ इंडिगो पाउडर 2 स्पून ले लिया है मैंने। उसके बाद मैं लूँगी 2 चम्मच आंवला पाउडर। सबकी क्वांटिटी को सेम रखना है, यहाँ मैंने 2 चम्मच आंवला पाउडर ले लिया है। उसके बाद हम लेंगे शिकाकाई। शिकाकाई भी जो है हमारे बालों को नरिश करता है, स्मूथ करता है और साथ के साथ जो है हमारे बालों को जो है काला करता है। यहाँ पर जो है मैंने शिकाकाई भी 2 चम्मच ले लिया है मैंने। उसके बाद हम लेंगे भृंगराज, जो हमारे बालों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप जाके कंडीशनिंग करता है और रूट से जो है हमारे बालों को काला करता है। यहाँ पर मैं जो इसकी क्वांटिटी जो है 1 से 1.5 चम्मच ही लूँगी, ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है। उसके बाद आप जो अगर आपके बालों में जैसे अगर फंगस की प्रॉब्लम है या आपके मेहंदी लगाने के बाद जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या इचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो आप इसके अंदर जो है नीम का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो अवेलेबल ना हो तो मैं इनका लिंक जो है आपके साथ शेयर करूँगी, आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये नीम का पाउडर भी मैं 2 चम्मच डालूंगी और साथ में डालूंगी मैं इसके अंदर रीठा पाउडर, वो भी हमारे बालों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं, अगर आपके पास साबुत मिलता है तो आप उन सबको उबाल के रात भर भिगो के फिर मॉर्निंग में भिगा के उन सबका जो है आप लोग जो है उसका पेस्ट बना सकते हैं जिसके थ्रू अपने बालों में लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आप जो है 2 बड़े चम्मच जिसे हम ये 4 चम्मच भी कह सकते हैं हम मेहंदी ऐड करेंगे। इसके अंदर जो मैंने इंडिगो पाउडर भी मिलाया है क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हमें इंस्टेंट हमें लगाना है। इसके अंदर देखिए मैंने जो है ये मैंने ऐड कर दिया है। इन सब का जो है अच्छे से मिश्रण बनाना है। थोड़ा सा इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट दे देंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है। आपको इसके अंदर जो है लेमन को किसी भी विटामिन सी चीज़ को जो ऐड नहीं करना है। इसमें आंवला जो है हमारे बालों को जो बहुत ही अच्छा ब्लैकिश करेगा, बहुत ही अच्छा कलर कर देगा। ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसको आप लगा सकते हैं, इंस्टेंट पे लगा सकते हैं। अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग पे भी लगा सकते हैं, और अगर या फिर आपकी हॉलीडेज है तब भी आप वीक में 2 टाइम्स भी लगाएंगे तो आपके बालों का कलर जो है बहुत ही अच्छा से कलर आ जाएगा। ये देखिए बालों का मेहंदी का कलर जो है अभी ग्रीन है, जैसे ही कूल होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ये अपना रंग जो है चेंज करता जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो हमने 2 चीज़ें जो ऐड की है, हमने जो करी है इसके अंदर जो हमने कलौंजी का जो पानी है वो बहुत मस्त है, उसी को आपको डालना है, और नीम पाउडर है जिससे हमारे बालों को जो है सुरक्षा मिलती है हमारे जड़ों को, और भृंगराज पाउडर है जो वो आपको मेन है जो जरूर डालना है। इन सब का जो पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसके अंदर जो है
इसको जो है किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं, और इसका कलर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में, ये ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे सबर नहीं हुआ तो मैंने फिर से आपको दिखाना चाहा, ये हल्का हल्का ठंडा होने लग गया है। और ये जो अपना जो मैंने आयरन की कढ़ाई यूज की है, वो सबसे जरूरी, आपको हमेशा जब भी आप मेहंदी घोलते हैं, जब भी आप लगाते हैं, तो हमेशा आपको जो है लोहे की कढ़ाई लेनी है, जिससे कि आपके बालों को अच्छे से जो है रिच आयरन मिले और आपके बाल जो है काले हो। और ये देखिए अभी मेरे को शायद ये अभी 15 से 20 मिनट हुआ, अच्छे से अभी ठंडा नहीं हुआ है, तभी ये जो है ब्लैकिश करना स्टार्ट हो गया है। आप भी अगर इसी तरह से लगाएंगे तो गारंटी है आपके बाल जो है बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, और डीप जाके ये क्लीन करेंगे आपके जड़ों तक। और ये देखिए कितना ज्यादा जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते मेरे स्पून पे, ये देखिए कितना ज्यादा जो है ऐसे ब्लैक कर रहा है ये। देखिए मुझे सबर नहीं हो सका कि मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट डे में आप लोगों के साथ जो है शेयर करूं। ये भी मेरे को आधा घंटा हुआ है जो मेरी जो है मेहंदी काली होने लग गई है। आपको ऑलमोस्ट हमेशा देखा होगा जब भी मेहंदी बनाते हैं तो ग्रीन होती है, मगर एक्चुअली ये जो है मेरी काली होने, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने दो तीन इंग्रेडिएंट्स जो आपके साथ शेयर किए बहुत मेन है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेन जरूरी है कलौंजी का जो मैंने वाटर तैयार किया था, यहाँ कलौंजी का तेल नहीं मैं बात कर रही, कलौंजी का पानी मैं उबालने की बात कर रही हूँ। मैंने उसको अच्छे से बॉयल करके उस पर इसको बनाया आपके साथ जो, मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा लूँ। देखिए कितना काला हो चुका है ये। आप इस तरह के अगर अपने बालों पे लगाएंगे तो गारंटी है कि आपके बाल जो है बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। कोई आपको जो हार्मफुल केमिकल जो भी है कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लगानी पड़ी, इससे जो आपके कोई भी बाल जो है साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आप जो घर बैठे आप इसको लगा सकते हैं बिना खर्चे के। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।